तो हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैंड वाइटनिंग ट्रीटमेंट एट होम, क्योंकि लास्ट मैंने आपके साथ फीट वाइटनिंग ट्रीटमेंट शेयर किया था। तो उस वीडियो के नीचे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आप हमारे साथ हैंड वाइटनिंग ट्रीटमेंट भी शेयर करें, तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेके आई हूँ हैंड वाइटनिंग पे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं नेल रिमूवर के साथ जितनी भी मेरे नेल पेंट लगी है उसको रिमूव कर रही हूँ। गाइस, आप देख सकते हो मेरे हैंड्स पे बहुत ज़्यादा टैनिंग है, बहुत ज़्यादा रूखे हैं, बेजान हैं और थोड़े थोड़े रिंकल्स जैसे आ जाते हैं, आपके फिंगर्स के ऊपर भी आ जाते होंगे। तो उसी तरह से मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल हुई पड़ी है। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसन को ऐड कर रही हूँ। बेसन का मैंने एक स्पून यहाँ पे ऐड किया है और उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है पिंच ऑफ हल्दी। थोड़ी सी हल्दी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के लिए मैं इसमें दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास रॉ मिल्क है आप रॉ मिल्क ऐड करें, अगर आपके पास बॉयल्ड मिल्क है आप बॉयल्ड मिल्क भी ऐड कर सकते हो। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और एक अच्छा सा पेस्ट जो है वो बनके रेडी हो गया है। तो गाइज़, इस तरह से पेस्ट जो है वो बनके रेडी हो गया है। तो इसको अब अपने हाथों पे अप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सिंपल अपने हाथों के साथ भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसे अच्छे से मैं पूरे अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सी थिक लेयर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिजल्ट जो है वो अच्छे से आएगा और फिंगर्स के ऊपर जो ये रिंकल से बन जाते हैं और यहाँ पे कलर जो है वो डार्क हो जाता है उसके ऊपर भी आपको अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, बेसन जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन क्लींजर माना जाता है। ये आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, आपके मॉइस्चर जो है उसको वापस करता है, जितनी भी डेड स्किन है उसे रिमूव करता है, आपके टैनिंग है बहुत भर भर के टैनिंग हो रखी है आपके हाथों पर तो उसको रिमूव करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और इंस्टेंट फेयरनेस देने में भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसमें जो मिल्क और हल्दी को यूज़ किया है, ये भी मिल्क जो है वो नेचुरल क्लींजर माना जाता है। ड्राई स्किन हो, फ्लेकी स्किन हो, स्किन टोन को लाइटन करना हो और डेड स्किन सेल को एक्सफोलिएट करना हो तो ये मिल्क जो है ये बहुत ही बेहतर काम करता है आपकी स्किन के लिए। तो एक तरह से रेडियंस ऐड कर देता है आपकी स्किन पे। सो गाइज, एक थिक लेयर जो है वो मैंने अप्लाई कर ली है अपने हैंड पे। मैं सिर्फ एक ही हाथ पे आपको करके बताऊंगी ताकि आप डिफरेंस जो है वो लास्ट में देख सको। मैं यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक वेट करूंगी ताकि जो ये मैंने तीनों इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ये मेरे हाथों पर मेरी स्किन के अंदर तक जा सकें और रिजल्ट जो है वो लास्ट तक दिखा सकें। तो जब 5 से 10 मिनट हो जाएँ तो ये हल्का हल्का सूख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि मसाज देनी है अपने हाथ पे, तो आप दूसरे हाथ के साथ इस पे मसाज करेंगे और एक तरह से स्क्रबिंग का काम करेगा। मसाज करेंगे तो एक्सफोलिएट होगी आपकी स्किन। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. सो गाइज, नेल पेंट लगाने के बाद डिफरेंस आप खुद देख सकते हो। स्किन का जो टेक्सचर है वो कितना स्मूथ हुआ है। पहले स्किन जो थी वो बड़ी ड्राई लग रही थी, फ्लेकी सी लग रही थी और काफ़ी रिंकल्स वगैरह, फाइन लाइंस वगैरह मेरे हाथों पे लग रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर हो गया है, कॉम्प्लेक्शन क्लियर हुआ है और स्किन मॉइस्चराइज लग रही है मेरे हाथों की प्लस। तो गाइज़, इस ट्रीटमेंट को आप डेली भी कर सकते हो, इन तीनों इंग्रेडिएंट को आप डेली यूज़ कर सकते हो अपने हाथों पे, आपको इफेक्ट जो है वो पहली बार में ही देखने को मिलेगा। तो गाइज़, आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें और शायद आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हो। और इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना होगा, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। सो गाइज, इस तरह की और वीडियोस लेके मैं आती रहूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।